आज दुनिया भर की तरह शहर कैद में भी जो है नौ मुहर्रम हराम के जो जुलूस है वो हकीकत और एहतराम के साथ निकाले जा रहे हैं। अगर बात की जाए मकामी जुलूस की तो ये वजीर गोट से होता हुआ अयूब गोट, लासी गोट और रवायतुरा से होता हुआ अपने इमाम बाग अल्बास पे एकदम पजीर होगा। अब्बास के बानी जो जुलूस की निगरानी भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के इकदाम तो सिंध रेंजर्स के एहलकार जो खड़े हुए माशाल्लाह जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, साथ साथ में पुलिस एहलकार जो है वो भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी की तो साइड सिपाही हुए SHO और सुराबगढ़ SHO और DSP जो है सुराबगढ़ वो निगरानी कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है अब्बास के जो इमाम बारगाह उनके जो निगरान उनसे बात करेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे और किस तरीके से जो ये जुलूस निकाला जा रहा है जो रास्ते उनसे पूछेंगे। अच्छा बताएं किस रास्तों से होता हुआ ये जुलूस जो निकलेगा आपका? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने टाइम दिया। ये जामे मस्जिद व इमाम बारगाह अब्बास वजीर बरोई गोट से जुलूस बरामद हुआ है जो अपने मुकर्रर रास्ता अयूब गोट से होता हुआ सुखिया गोट चौक से वापसी इमाम बारगाह अब्बास वजीर गोट में तमाम पजीर होगा। सिक्योरिटी की बात करी जाए तो SHO साइड सुपर हाईवे अली अजगर कांगो साहब और SHO सिराबगोट गुलाम रसूल सियाल और DSP सिराबगोट चौधरी फैज का हमारे साथ अच्छा था, उन्हें हम बार बार शुक्रिया अदा करेंगे। और पाक रेंजर्स का हमारे साथ अच्छा था उन्हें। तो बदनसीबी ये है कि यहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे UC चेयरमैन 31 नूर खान बुरफत उसको 65 लाख रुपये मिले गए सेवरेज के मसाइल हल करने के लिए, लेकिन 65 लाख रुपये उन्होंने पता नहीं कहाँ करे हैं। तो मैं वजीर अला सिंध और वजीर बल्दियात से इस बात का फुल फॉर नोटिस लें कि ये 65 लाख रुपये आखिर गए कहाँ। अभी हमने इतने जुलूस में हमें गुजारना पड़ा है सेवरेज के अंदर से भी और रास्ता इतना ख़राब था आपने खुद देखा होगा। तो हम ये इनसे बार बार ये करेंगे कि इनसे पूछा जाए कि ये 65 लाख रुपये आखिर गए कहाँ, क्योंकि ये लोग तो ACO में बैठे हुए होते हैं तो हम क्या पाकिस्तानी नहीं है, शिया कौम हम पाकिस्तानी नहीं है। तो इनसे हमारा सवाल है कि ये 65 लाख रुपये आखिर जो UC 31 के लिए दिए गए थे वो आखिर कहाँ हैं? जी नाजी, इनके तासरात थे ये जो जुलूस जो निकाला जा रहा है इनका ये कहना था कि काफ़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है और यहाँ के जो 65 लाख रुपये दिया गया था वो अभी तक जो है उनको पता नहीं, कोई काम नहीं हुआ और बड़ी मुश्किल से जो जुलूस है वो उनसे गुजर रहा है। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के सख्त इकदाम हैं, मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है कि रेंजर्स के अहलकार और सिंध पुलिस के अहलकार जो है यहाँ मौजूद हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और जो DSP सुराबगोट है और सुराबगोट SHO और साइड सुपराइव SHO जो है अपनी निगरानी के अंदर सख्त सिक्योरिटी में और रास्ता जो क्लियर करने के बाद जुलूस को आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। जी जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5G सेक्टर 5G में।